के इस ब्लॉग को हम तो हेलो फ्रेंड्स, बज गई है सुबह की 8 और आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। और आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ सफाई स्टार्ट की जाए, क्योंकि अब मेरे वापस से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो मैं सोच रही हूँ कहीं से जो काम मैं बहुत दिनों से करना चाह रही थी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा काम 2-3 दिन में करके ख़त्म करूँ। तो आज मैं पूरे दिन भर में क्या क्या करूँगी वो आपको बताऊँगी। चलो स्टार्ट करें हमारा काम और बीच में आपको बताते रहेंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ओके बाय। तो सबसे पहले तो हमने वॉशिंग मशीन लगा ली है, क्योंकि बहुत छोटी बालकनी होने के कारण फिर वो क्या कपड़े दिन भर सूखते नहीं है। तो सबसे पहले हमने सोचा कि आज वॉशिंग मशीन लगा ली जाए और फिर दूसरा काम किया जाए। तो फ्रेंड्स, सर्दी में हमें कपड़े ऐसे ही सुखाने पड़ते हैं बालकनी के बाहर, बिकॉज धूप वहीं अच्छे से आती है। तो मैं ऐसे क्लिप के सहारे से ऐसे बाहर कपड़े लटका के सुखा देती हूँ। तो अब हमें ये सारा पेंटिंग का सामान हमारे यहाँ से हटाना पड़ेगा। अभी तक तो यहीं रख के घूम रही थी, मैं इन सबको हटा देती हूँ यहाँ से, क्योंकि बच्चे हैं यार, उनके लिए जगह होनी चाहिए। तो ये सब हटा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, इस शेल्फ में मुझे मेरा सारा सामान ऐसे इसको घुसा के रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जगह की बहुत कमी है। तो मैं ऐसे सारा सामान ऐसे मेरी शेल्फ में घुसा के रखती हूँ, जब ज़रूरत होती है तो उसको यूज़ में लेती रहती हूँ। तो अब ये सारा एरिया, ये सारे बच्चे की ड्राइंग के बॉक्स, इसमें से मैं कुछ सिखाती रहती हूँ, हेल्प मिलती रहती है। और ये सामान सारा सब में से भी जो वेस्ट हटा देती हूँ, बच्चे के भूल जाते हैं सारा सामान, क्योंकि बच्चे सारे भूल जाते हैं, उसे छोड़ के चले जाते हैं। तो चलो इसको साफ करते हैं। चलो भाई, यहाँ के इसके अंदर के नीचे की तो करती है सफाई हमने। सारी बुक्स हो गई हैं। अभी पानी का इसमें बच्चे पानी वानी भरते करते हैं अपना, और अपने पानी को इसमें यूज़ में लेते हैं पेंटिंग के तौर। इसमें मैंने बच्चों की सारी मैट वगैरह सब रख दी थी, क्योंकि क्लास को मैंने 1 महीने के लिए बंद किया था। तो अभी ये सारी मैटें मैं वापस बाहर रख देती हूँ, बच्चे आएंगे तो लगानी पड़ेगी। पहले को भी इसके ऊपर रख देती हूँ, इन बुक्स के ऊपर। तकिए की खोली तो मैंने धोने में डाल दी है, और अब ये जो है ना मेरा गद्दे, इसके ऊपर रखूँगी आज। अभी जगह नहीं होती इतने से क्वार्टर में, तो हम इसी के ऊपर यहाँ विंडो में ही डालते हैं, जिससे इसको हवा वगैरह मिलती रहती है। रजाई तो डल गई है, दूसरी रजाई भी हमने इसके ऊपर ऐसे करके डाल दिए। ठीक है, चलो अब टिफिन बनाते हैं। फटाफट से मेथी के पराठे बना लेते हैं, क्योंकि आज हो गए हैं 10:30। टिफिन बस रहेगी 11 बजे। आधे घंटे में हम मेथी के पराठे बना के तैयार करते हैं। इसमें हमने आटा डाल दिया, मेथी काट के डाल दी है, धनिया मिर्ची और हल्दी मिर्ची डाल दी है। अब इसमें देखो ऐड में क्या करती है, उसमें है ना मक्की का आटा। अगर आप इसमें मक्की का आटा डालोगे ना, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और थोड़ा सा इसके बाद ऑयल डाल देंगे। चलो बना लेते हैं। फ्रेंड्स देखो, ये हमारा अजवाइन अभी तक गली भी है रास्ते, और टाइम ही नहीं मिला इसे सुबह पीने का, क्योंकि पति देखो सुबह चाय चाहिए होती है, और हम भी चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब दिन में कब टाइम मिलेगा उसको भी पीऊँगी। ये हो गई हमारी ये सब तैयार। अब ये तेल और मेरा जीरा डाल दिया है, अब इसमें हम ये सब डाल देंगे, और नमक मिर्ची हल्दी डाल के, धनिया थोड़ा सा डाल के, शक्कर भी डालेंगे, थोड़ी सी शक्कर, खट्टी मीठी चटनी बनेगी ये। इसमें हम डाल देंगे अब थोड़ी सी शक्कर, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी शक्कर डाल देंगे, और बस अब कच्ची कच्ची इसको रहने देंगे, उससे ज़्यादा वो नहीं, मतलब मिक्स नहीं करेंगे। और हो गई। और बाय द वे मैं बता दूँ कि मैं सेंधा नमक यूज़ में लेती हूँ, नॉर्मल नमक नहीं। सेंधा नमक बॉडी के लिए अच्छा रहता है, इसलिए आप सेंधा नमक ही यूज़ में लेना। हो रही हूँ आज मैं बहुत लेट, फिर भी मुझे क्या करना है, ब्लॉग बनाना है। अब टाइम देखते हैं कितना हो गया। चलो अब 10 मिनट पराठे बनाते हैं। हैं 11 और टिफिन के काम से फ्री। टिफिन का रोज यही रहता है, भागा दौड़ी जल्दी 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 जल्दी
अब साक्षी बैठी बैठी हम गाना जीप चढ़ा रही है, मम्मी आपको तो रोज का ही है। हाँ रोज का है तो है, क्या करें। सब हमारा खाना बन सारा, अब हम थोड़े सा फटाफट से बर्तन वर्तन धोके स्लैच ऑफ करके वापस से अपनी सफाई में लग जाएंगे। सफाई की ड्राइंग, सफाई आज सफाई कहाँ की वो आज सफाई कर रही हूँ ना एक्स्ट्रा, तो नहाना धोना सब बाद में होगा, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा सफाई करनी जरूरी नहीं होती क्या। मुझे ये स्टैंड भी हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब ये सारे सामान को भी मैं हटाऊंगी क्योंकि अब गर्मी में क्या धूल वूल आएगी, आंधी वांधी आएगी तो ये सारे गिर जाएंगे, तो थोड़े से दिनों बाद इन सबको भी मुझे यहाँ से विंडो में से हटाना पड़ेगा। अब इन सारे टेबल्स को एक के ऊपर एक रख देती हूँ मैं ऐसे। तो ये रूम तो हो गया अभी खाली, देखो हाँ देखो बस हो गया। चलो अब एक पोछा ओछा लगा के अब जाएंगे नहाने। तो फ्रेंड्स एक बजे हमको याद आया कि हमारा ये अजवाइन का पानी तो हम फिर भूल गए, तो सबसे पहले हम इसको पी लेंगे। गरम कर लिया है, गरम होने के बाद इसको छान के पियेंगे। अभी हो गया बॉयल, अब हम इसे छान लेंगे। अब वीडियो बंद करके इसको पहले मैं अच्छे से छान लेती हूँ। तो हमारा ये हो गया तैयार। तो फ्रेंड्स अभी हम लगा रहे हैं यू के बालों में तेल। और तेल हम कौन सा लगाते हैं बालों में, बिकॉज देखो यू के बाल कितने अच्छे घने लंबे और मोटे हो रखे हैं, तो हम तेल कौन सा लगाते हैं इसी के बालों में नहीं सबके बालों में। तो अभी आपको तेल दिखाते हैं। तो ये देखो हाफ पार्ट मस्टर्ड ऑयल, हाफ पार्ट इसमें कैस्टर ऑयल का है, बाकी इसमें कलौंजी है और दाना मेथी। ठीक है, कलौंजी और दाना मेथी इसमें ना चार चार चम्मच के हिसाब से डाल रखे हैं। लगाओ, बहुत अच्छा तेल रहता है और बहुत अच्छे घने लंबे काले और मजबूत होते हैं, और क्या बेस्ट है बालों में लगाने के लिए। चलो अब तेल लगा लेते बेटा। बच गई है शाम की अब काम करते करते हमारी 6। ठीक है, तो अब हमें करनी है साक्षी की पैकिंग, क्योंकि साक्षी को वापस उदयपुर जाना है। ये देखो ये आ भी गई है। अब साक्षी तो अपना सारा सामान बता देगा क्या पैक करना है भाई। तो ये साक्षी ने ना पैकिंग में आपको बताती हूँ सबसे पहले क्या रखा है। इसने अभी आने का पेंटिंग बनाई है, बोल रही मम्मा ये रखूँगी, आपको उसकी पेंटिंग दिखाती हूँ। ये शर्माती है अपनी पेंटिंग दिखाने में। देखो उसकी पेंटिंग मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी बनाती है। ये देखो अच्छी पेंटिंग बनाई है ना, अब इसको ले जाएगी, जो बनाती है वो वहाँ ले जाती है। आज के इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में, क्योंकि अभी हमें बहुत सारा काम करना है, पैकिंग की तैयारी करनी है और साक्षी जा रही है और ये बहुत खुश हो रही है। ठीक है, ओके बाय।